नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम, स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। दोस्तों, आपका बहुत सारा पिछली वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि कार का नया और दूसरा वीडियो बनाइए, दूसरा और सारा, जैसे छोटी गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का, बहुत सारा वीडियो आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि, तो इसलिए मैं आज फिर से पहुँचा हूँ मीरगंज में, मीरगंज के यहाँ पिपरा में अभी पहुँचा हुआ हूँ। जो ये रास्ता है, ये जाता है आपको बथुआ समौर की तरफ, ये रोड जाता है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर सिंह ऑटो डील्स में, जिसकी वीडियो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। और यहाँ बहुत ही अच्छी प्राइस में बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ की यहाँ पे बैंक से खींची हुई गाड़ियाँ मिलती हैं आपको, उसके बाद आपको लोन पे लोन की सुविधा यहाँ मिल जाएंगी, आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो इसके बारे में हम धीरे से चर्चा करते हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे चलते हैं, मिलवाते हैं आपको और रूबरू करवाते हैं कि कैसे क्या है। उनसे आइए मिलते हैं और बातें करते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ वो कैसे देते हैं, क्या करते हैं, जो भी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, लोन पे कैसे मिलता है, क्या होता है, तो इनसे हम जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सर आप अपना परिचय। मेरा नाम सुदामा सिंह है जी। जी और सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अमन सिंह हुआ। आप यहाँ के ऑनर और मार्केटिंग पर्सन यही हैं, तो हम इनसे ही जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की गाड़ियाँ हैं और क्या हैं। तो क्योंकि पिछली वीडियो में हमारे साथ यही थे, अमन जी ही थे, और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें दी थी इन्होंने गाड़ी के बारे में। और तो सर अभी कौन कौन सी अपडेटेड गाड़ियाँ आई हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हैं जो कि बार बार कमेंट कर रहे हैं कि और भी गाड़ियों का डिमांड थोड़ा दिखाइए। सबसे पहले आपके सभी चैनल के जो सब्सक्राइबर, उनको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। गाड़ी अपने पास लेटेस्ट वर्जन में ऑलमोस्ट सारी है, और जो नहीं है अवेलेबल उसको भी हम अवेलेबल कराने की कोशिश में हैं बहुत जल्द। गाड़ी सभी आपको जो भी है यहाँ पर सब अपडेटेड गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ छोटी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं और बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। तो सर आज जो हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, तो सबसे लो बजट की, कम बजट की जो गाड़ियाँ होंगी वो कितने से स्टार्ट होगी? वो आपकी कैसे 2.5 लाख से स्टार्ट होगी जो लो बजट गाड़ी है। अपने पास सारे रेंज की गाड़ियाँ हैं जी, और कार पे इसलिए फोकस है कि इस समय हो गया हर घर में गाड़ी का सपना। हाँ, वो तो बस तो उसी को मुमकिन करने के प्रयास में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, ये बात सही है, सबको यही चाहता है कि ये घर में गाड़ियाँ, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, उसके अनुसार सबको ही चाह रहा है कि सुख सुविधा मिले। और छोटी गाड़ियों का डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा मिल रही हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे जैसे लोन वगैरह की जो सुविधा है या और कुछ भी है, तो उस जी जी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कैश लेना चाहे तो भी है, आप लोन पर लेना चाहे तो भी पॉसिबल, रीफाइनेंस अगर, और जो भी है, अगर मान लीजिए यहाँ गोपालगंज या बिहार के अदर स्टेट के लोग अगर कुछ लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या? देखिए, अदर स्टेट में ये है कि थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको अपने ब्रांच से कनेक्ट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो स्टेट वाइज के हिसाब से थोड़ा आउट ऑफ वो हो रहा है। रही बात बिहार लेवल पे, हमारी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है हर जिला में, बिहार में सब। अच्छा, किस बैंक से आप फाइनेंस करवाते हैं? मैं चोलामंडलम फाइनेंस से। चोलामंडलम जी, मैं उसका ऑथराइज डीलर हूँ। मेरे बिजनेस पार्टनर HDFC बैंक भी है जी। चलिए, और हम आपको ले चलते हैं थोड़ा चल के, कस्टमर को गाड़ियाँ भी दिखा दिया जाए कि किस तरह की गाड़ियाँ हैं, और आपको ले चलते हैं, देखते हैं कि जैसे आपको छोटी गाड़ियों से ही पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि यहाँ आप मॉडल सुजुकी स्विफ्ट है, 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल, ये फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर? गाड़ी सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर जी। तो ये बिहार 28 है, कहाँ के नंबर? गोपालगंज नंबर है। क्या प्राइस क्या होगा इसका? ये प्राइस आपको 385 की पड़ेगी, जिसमें आपको 1 ईयर इंश्योरेंस कंपलसरी मेरी हर गाड़ी में। अच्छा, इसका सर्विस वगैरह कैसे, मतलब सर्विस के लिए? गाड़ी देखिए, हम जो है कि हम सर्विस करा के नहीं रखते, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, जब हम गाड़ी डिलीवर करते हैं तो कस्टमर को बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप गाड़ी का सर्विसिंग करवाइएगा। सर्विसिंग जी। अच्छा, आइए, ये अभी आप देख सकते हैं BR04। ये सर, ये कहाँ के नंबर को बात लीजिए, ये कहाँ के नंबर होगा? ये BR04 छपरा नंबर गाड़ी है। छपरा नंबर जी। 2015 मॉडल स्विफ्ट, ये भी है, पेट्रोल है, VXI, फर्स्ट ऑनर। क्या प्राइस क्या होगा इसका? प्राइस है 4,10,000। चार लाख दस हज़ार इंक्लूडिंग 1 ईयर इंश्योरेंस।
इंक्लूडिंग वन ईयर जी। अच्छा, इसको अगर डाउन पेमेंट की अगर हम बात करें तो कितना डाउन पेमेंट पे गाड़ी उठ सकती है? जैसे मिनिमम आपको मैंने बताया कि 40% डिपेंड करता है सिविल स्कोर के ऊपर। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा तो हो सकता है पॉसिबल 10-15% में फाइनेंस हो जाए। वो डिपेंड करता है उनके सिविल स्कोर के ऊपर कि आपने पहले लोन जो लिया है या क्या किया है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके सिविल स्कोर ऐसे ही, आपको RTI अगर जमा करते हैं तो आपको और आसानी से लोन मिल जाएगा जी। तो अगर मान लीजिए अगर कोई कस्टमर ऐसे हो जिनके पास नहीं हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, तो उनके लिए क्या प्रोसेस? उनके लिए 40% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा उनके लिए 40%। और डॉक्यूमेंट वगैरह में क्या देना है? डॉक्यूमेंट उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, लैंड रिसीव में तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके अलावा बैंक पासबुक कॉपी, चार चेक जी। तो ये सब डिटेल्स है जिससे आप लोन करा के आप गाड़ी ले सकते हैं। और सर BR01 ये तो पटना की नंबर ये गाड़ी है, पटना नंबर गाड़ी जी, पटना नंबर गाड़ी है, 2018 नवंबर की गाड़ी है ये गाड़ी, ये समझिए एकदम नई है, मात्र 25,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी लग रही है जी। ये नई गाड़ी है जी, मात्र ओनली 25,000 गाड़ी चली हुई है, फर्स्ट ऑनर है। इसका रेट है 5,90,000। और भी हमारे पास और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। अच्छा, जो आप बता रहे थे और कम बजट की 2-2.5 के करीब तक, वो कौन सी गाड़ी हुई जी? जी, ये कौन सी गाड़ी है? ये गाड़ी हुंडई की i10 है। i10 जी, 2014 मॉडल गाड़ी है, गाड़ी फर्स्ट ऑनर है। कहाँ का नंबर होगा? मुजफ्फरपुर का नंबर है, BR06 मुजफ्फरपुर का नंबर है। ये गाड़ी आपको 2,50,000 की पड़ेगी। 2,50,000। अभी देख रहे हैं हम कि रास्ते मतलब कि हर जगह ऑल्टो या वैगनआर ये सबसे अधिक मार्केट में दिख रहा है गाड़ी, तो आपके पास ऑल्टो और वैगनआर, ये ऑल्टो तो दिख रही है यहाँ पे, ऑल्टो ये क्या रेंज की आपकी आएगी? ये गाड़ी 2018 मॉडल ऑल्टो VX आई है, गाड़ी फर्स्ट ऑनर है, ऑलमोस्ट 20,000-25,000 लमसम चली हुई गाड़ी है, चारों टायर गाड़ी का ऑलमोस्ट नया है, गाड़ी में 1 रुपये खर्च नहीं है। गाड़ी के साथ जैसे कि हम बताएं कि आपको 1 ईयर इंश्योरेंस मिलेगा फर्स्ट पार्टी। रही बात इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस 295 है। 295 गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी का सब कुछ एकदम सही है, और गाड़ी का इंटीरियर भी देख सकते हैं, इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा है, और इसमें सीट वगैरह सब कुछ एकदम लेदर का है और अच्छा है, और बहुत ही अच्छी तरह की गाड़ी है। और वैगनआर तो हमारे पास वैगनआर है आपके पास? वैगनआर, आइए हम आपको ले चलते हैं, वैगनआर गाड़ी दिखाते हैं आपको, क्योंकि अभी सबसे अधिक अगर मार्केट में अगर जो गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, स्कॉर्पियो दिख रहा है, वैगनआर, छोटी गाड़ियों में अगर बात करें हम तो सबसे अधिक ये वैगनआर सबसे ज़्यादा अभी दिख रहा है। और ये तो देखने से ही लग रही है कि एकदम नई गाड़ी है और बहुत ही अच्छा मॉडिफाई भी किया गया है। ये क्या प्राइस की होगी? एक्चुअली ये गाड़ी 2017 मॉडल है, ये गवर्नमेंट टीचर थे उनकी गाड़ी है जी। जी, गाड़ी 28,000 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ऑनर है, गाड़ी का चारों टायर ऑलमोस्ट नया है। गाड़ी के साथ जैसे कि मैं बताया आपको, मेरी हर गाड़ी में 1 ईयर इंश्योरेंस मिलेगा फर्स्ट पार्टी, और गाड़ी का प्राइस है 395 जी, गाड़ी में 1 रुपये खर्च नहीं है। ये आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन और भी नज़दीक आए और दिखाएं गाड़ी में, ये सीट वगैरह एकदम बहुत ही अच्छा कोटिंग किया है, ये दिख रहे हैं सीट, और सब कुछ इसमें एकदम नया लुक बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन भी किया गया है और मॉडिफाई भी किया गया है इस गाड़ी को। और ये कहाँ का ये सर नंबर है? ये BR28 गोपालगंज का ही जी? जी, गोपालगंज नंबर है जी। इसको अगर आपने कितना इसका प्राइस बताया? कितना? 395 इंक्लूडिंग 1 ईयर इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी। आप सारी गाड़ियों पे तो उस पे इंश्योरेंस मिलता ही है जी। जी, अच्छा हम बात करें अगर लग्जरियस गाड़ी कोई हम लोग के पास एक वहाँ पे अर्टिगा दिख रही है, 7-सीटर है अर्टिगा, 7-सीटर जी। जी, 7-सीटर अर्टिगा जी। जी, अर्टिगा का टॉप मॉडल है ZDI+ जी। और अल्टिगा हमारे पास और भी सर, इधर स्कॉर्पियो भी हमारे पास दिख रही है जी। एस डिमांड हमारे पास ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां हैं, सारी गाड़ियां हैं। गाड़ी तो यहां पे पिछली बार भी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था उसमें भी बहुत सारी गाड़ियां हम मैंने आपको दिखाई थी कि गाड़ियां बहुत सारी थी, और स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, अल्टिगा है। अभी आप ये देख सकते हैं कि अल्टिगा हमारे सामने लगी हुई है। ये सर अल्टिगा ये क्या प्राइस का क्या होगा? ये गाड़ी 2017 दिसंबर की गाड़ी है, यानी कि 2018 यानी कि 2 दिन कम रह गया था। तो गाड़ी फर्स्ट ऑनर है, गोपालगंज नंबर है, डीजल का टॉप वेरिएंट है, ZDI+ है,
गाड़ी के साथ आपको मैंने बताया कि इंश्योरेंस है फर्स्ट पार्टी, गाड़ी आपको ये पड़ेगी 720 की। अच्छा, हम अगर बात करें पेपर वगैरह का, जो पेपर वर्क होता है तो वो सब पेपर वगैरह हमारी प्राथमिकता गाड़ी बेचना नहीं, पेपर वर्क। तो मैं अभी तक जितनी भी गाड़ी बेच चुका है अपने सर्विस में, कोई रिटर्न मेरे पास आके ये नहीं कहा है कि मेरा पेपर में कोई फॉल्ट है या मेरा पेपर अभी तक नहीं हुआ। तो सबसे पहले पेपर अपडेट करते हैं, मतलब सबसे बड़ा चीज़ है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाइड है अगर तो फिर वो अदरवाइज और भी ये जैसे कहा जाता है ना कि एक कस्टमर अगर सेटिस्फाइड हुआ तो फिर वो दूसरा कस्टमर भी लेके आते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि एक गाड़ी से किसी का काम चलने वाला नहीं है, वो खुद किसी और को सजेस्ट करते हैं फिर सजेस्ट करते हैं। जी जी, जैसे जी जैसे ही कहावत है कि फॉर अ सक्सेस बिजनेसमैन यू हैव टू सेटिस्फाइड योर कस्टमर, तो दैट्स वी आर डूइंग। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, आपको जिस तरह की गाड़ी चाहिए उस तरह की गाड़ी मिलेगी, और गाड़ी के साथ साथ यहाँ पहले से मॉडिफाई की हुई गाड़ी मिलती है, और गाड़ी का सब कुछ इंटीरियर सब कुछ अच्छा है। उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि और भी उसको अच्छा से मॉडिफाई किया जाए, उसे और कुछ लगाया जाए, क्योंकि हर किसी का ये शौक होता है कि वो जो गाड़ी ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो उसको सजा धजा के रखा जाए, क्योंकि कहा जाता है ना कि नई नई में कोई भी चीज़ होती है तो उसको बहुत ही अच्छा सजा के रखा जाता है। तो ये मैं देख रहा हूँ सिंह कार श्रृंगार, यहाँ आप देख रहे हैं ये अपना, जी ये भी एक अपना से जुड़ा हुआ फॉर्म है जो गाड़ी में डेकोरेशन का इंटीरियर से लेकर एक्सटर्नल तक सारा चीज़ अवेलेबल है, प्रत्येक मॉडल का, गाड़ी के हर मॉडल का, और जो नहीं होगा वो ऑन डिमांड हम अवेलेबल करवा देते हैं इसको भी। तो गाड़ी आप कोई भी यहाँ से परचेज कर रहे हैं या कहीं से भी और भी गाड़ियाँ कोई आ रही हैं तो यहाँ पे आपको इंटीरियर से लेके आपको जिस तरह का आपको लाइटिंग की सुविधा हो या किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम हो या सीट का आपको जो भी अंदर की जो भी चीज़ लगवाना हो वो चीज़ आप लगवा सकते हैं। ये नहीं है कि यहीं से गाड़ी खरीदें तो भी आप गाड़ी खरीदें या कहीं से भी आप आ रहे हैं तो यहाँ भी वो भी काम करवा सकते हैं। और ये फैसिलिटी सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि मेरा पर्सनली है। गाड़ी में लेमिनेशन से लेकर सीट कवर, टॉवल्स, परफ्यूम्स, म्यूजिक सिस्टम, बूफर्स, अलॉय व्हील्स, सारा चीज़ें। आइए मैं आपको थोड़ा सा दुकान का और अंदर का लुक भी दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये बम्पर है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको देख रहे हैं, लाइटिंग वगैरह है। तो ये सर लाइट वगैरह जो है ये किस लिए है? ये फॉग के लिए है। फॉग के लिए, फॉग के लिए जी। सारी गाड़ियां जैसे जो भी गाड़ियां हैं सब गाड़ियों का आपने फॉग लैंप है सब कुछ जी। ये बहुत ही अच्छा सुविधा है एक कि सामने यहां से गाड़ी भी लेके आप यहां पे कोई भी काम करवा सकते हैं, यहां इंटीरियर का काम करवा सकते हैं। आप काम हो रहा है बहुत सारा चीज़ अभी देख रहे हैं कि यहां पे गाड़ी अभी एक लगी हुई है जिसका अभी हमारे यहां पे जो गाड़ी का डॉक्टर जो कहा जाएगा, ये भी एक तरह के डॉक्टर ही हैं जो कि गाड़ियों के डॉक्टर हैं ये, और ये अंदर घुस के अपना काम वगैरह कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार निकल के आप हाय हमारे कस्टमर को, जो भी सब्सक्राइबर उनको बोल दीजिए, एक बार हाथ हिला दीजिए। तो देख रहे हैं, देख सकते हैं इसमें आप वो अपना काम वगैरह भी कर रहे हैं। तो आप यहां से देख लीजिए कि जितनी गाड़ियां हैं सब लगी हुई हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, सब सबका शब लगा हुआ है। आप आके यहां से ले सकते हैं, नंबर आपको बोर्ड पे भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा अमन जी का। अमन जी से आप संपर्क करके कोई भी गाड़ी का आप डिटेल्स ले सकते हैं, इनसे समझ सकते हैं, कभी भी आप कॉल करेंगे, और कभी भी की बात नहीं है, आप कभी भी नाइट आवर में कॉल नहीं करें, क्योंकि सबका एक बिजनेस के बाद एक पर्सनल लाइफ भी होता है। तो हमारे कस्टमर को आप व्यूअर्स को बता दें कि कब से कब आपको कॉलिंग, मॉर्निंग 8 से लेकर नाइट 8 तक मैं फ्री हूँ, आप कॉल कर सकते हैं, मैं रिसीव करूँगा। आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस के बावजूद भी अपना पर्सनल कुछ लाइफ भी है जो कि रात में कॉल, हमारे लिए कस्टमर सबसे प्रथम है, हम उनको संतुष्ट करेंगे बाद में। तो वो चीज़ सही है, लेकिन थोड़ा सा आप 8 से 8 के बीच में आप कॉल करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझाया जाएगा, सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।